किसान भाइयों, ये जीरो टीलेज बीज सह खाद बुआई यंत्र है और किसान भाई अगर इसका प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने के बाद इसका उचित रख रखाव रखना चाहिए। जैसे उचित रख रखाव के लिए अगर हमारा मशीन अगर चल के आता है तो इसको सबसे पहले हम धुलाई कर दें पानी से। धुलाई करने के बाद जहाँ जहाँ ग्रीस बैरिंग है वहाँ पर ग्रीस गन से ग्रीसिंग किया जाए। जैसे यहाँ पर ग्रीस का पॉइंट है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ग्रीस, तो यहाँ पर एक गन से आप ग्रीसिंग कर सकते हैं। गन रहने के बाद आपको उचित ढंग से इसमें ग्रीस चला जाता है और जगह जगह जहाँ पर बैरिंग दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है बैरिंग, वहाँ दिख रहा है बैरिंग, इस टाइप से यहाँ पर ग्रीस गन से ग्रीसिंग करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि ग्रीस गन से कैसे ग्रीसिंग किया जाता है। उसके बाद एक इसको कहते हैं ड्राइव व्हील। इस ड्राइव व्हील जैसे हम इसको ईंट के सहारे हम यहाँ पर ड्राइव व्हील को थोड़ा ऊंचा पर रखे हैं ताकि हम इसको घुमा सकें, जैसे इस टाइप से घुमाना। अब ड्राइव व्हील को अगर इस टाइप से घुमाते हैं तो चेन का टाइटनेस उचित होना चाहिए और चेन अगर सूखा हुआ हो तो इसको फिर डीजल या कोई तेल से इसको सफाई कर देना चाहिए। सफाई करने के बाद 20-40 मोबिल से आप वाइलकेन, अगर वाइलकेन है आपके पास में तो वाइलकेन से इसमें जो है वाइलिंग करना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि ये चेन में जो है वाइल हो गया है। वाइल रहने से क्या होता है कि चेन स्मूथ चलता है। और इस ड्राइव व्हील में एक स्प्रिंग लगा हुआ है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये स्प्रिंग क्या करता है कि ड्राइव व्हील को ज़मीन की तरफ खींच के रखता है, क्योंकि जब हम बुआई करते हैं तो इसका गति 3 से 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा का रखना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा स्पीड देते हैं तो ये चक्का ज़्यादा ऊपर उठ करके चलने लगेगा तो हमारा बीज कम ज़्यादा हो सकता है, इसलिए ट्रैक्टर का गति हम 3 से 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा रखेंगे ताकि हमारा ड्राइव व्हील ठीक ढंग से चल सके। और ये स्प्रिंग ज़मीन के तरफ यानी कि धरती के तरफ वो खींच करके रखेगा, इससे हमारा ड्राइव व्हील इस शाफ्ट को ठीक ढंग से चला पाएगा।